हाथ में रखी हुई है उन्होंने, ये नहीं पर्ची लेकर आगे बढ़े हैं और उस पर्ची को दिखाया जाएगा और ये उनका आइडेंटिटी कार्ड। जी हाँ, एपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने दिखाया अपना और अब उनका नाम अलग अलग लिस्ट में जो टिक होता हुआ उसके बाद वो साइन करेंगे और ये देखिए अब उनके भाई हैं। जी जी, अब वो साइन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये अब और ये स्याही लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद अपना कार्ड इकट्ठा किया। तो आज अब इत्तेफाकन लाइन में लगने वाली बात नहीं रही, तीन चार लोग मौजूद थे और वो आगे बढ़े और ये उन्होंने अपने सबसे बड़े हक का इस्तेमाल किया, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा अधिकार है आपका। यहाँ बटन दबा दिया उन्होंने और वीवीपैट की पर्ची देख ली है और प्रधानमंत्री मोदी वोट डाल चुके हैं 7:45। तो 7:45 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहां शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू किया और अब उस बूथ से बाहर निकल चुके हैं। बाकी लोग जो वोट देने पहुंचे उनसे मिलते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए अब ये बाहर, पिछली बार जब वो बाहर निकले थे तो उन्होंने मीडिया से बात की थी, आज भी उसी का इंतज़ार रहेगा कि ये आके क्या मीडिया से बात करते हैं और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रानीप से ये नामांकन भरने जाते हैं और जब वोट डाल के आते हैं ये दो, और जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा होता है मीडिया कर्मी ज़रूर उस वक्त इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आएंगे और अपनी बात ज़रूर रखेंगे। और ये अब प्रधानमंत्री अपने तमाम अहमदाबादना बद्दा मनक साथे यानी अहमदाबाद के सारे लोगों के साथ अब कनेक्ट करेंगे। जोर से आप भारत माता की जय के नारों को सुन रहे हैं, लोग अपना कैमरा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए कई घंटों से वहां पर इंतजार कर रहे हैं और वो आपको तस्वीर नजर भी आ रही है। छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग वहां पर पहुंचते हैं और हमने तो यहाँ स्टूडियो में अभी देखा, लोग कह रहे थे वोट बाद में डालेंगे, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार करेंगे। अब ये देखना है कि पीएम अपने भाई की तरह घर की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि इस बार इस बेटे के दिल में वो सूनापन होगा कि माँ के पैर नहीं छू पाया हूँ, माँ से मिलने नहीं जा पाया हूँ। माँ अक्सर उनके लिए एक हलवा बना के रखती थी और जब भी जाते थे उनको हाथ खर्ची के लिए पैसा देती थी। जी, कभी 500 रुपया, कभी 1000। हर चुनाव में ये वो तस्वीरें हमने देखी, आज वो तस्वीर तो नहीं मिलेगी देखने को, लेकिन प्रधानमंत्री अपने बूथ पर मौजूद, वोट डाल चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं और स्याही लगी उंगली का निशान दिखा रहे हैं ताकि बाकी लोग भी प्रेरित हों वोट देने के लिए। आज पूरे गुजरात में मतदान है, कुल मिलाकर 93 सीटों पर मतदान है तीसरे चरण में, इसको मिलाकर 283 सीटों पर वोट पड़ चुके होंगे, आधे से ज़्यादा आज तीसरे चरण के बाद आधे से ज़्यादा लोकसभा की सीटों पर वोट पड़ चुके होंगे आज शाम तक। ये बहुत बहुत अहम तीसरा चरण इसलिए भी क्योंकि जो पहले दो चरणों में मत प्रतिशत में थोड़ी कमी आई वो उस पर भी नज़र है चुनाव आयोग की कि मत प्रतिशत जो है इस बार कम से कम पिछली बार के मुकाबले ही रहे अगर बढ़े ना। कहना क्या सही होगा किशोर, क्योंकि फर्स्ट फेज के 11वें दिन बाद जो रिवाइज डेटा आया था वो 66% था, फिर भी वो कम था और पिछली मर्तबा वो 67%। नहीं, वो कुल मिला कई सीटों पर तो 4-4, 5-5, 6-6 परसेंटेज पॉइंट का फर्क भी आया है। तो और वोटिंग परसेंटेज पॉइंट में फर्क आना
फर्क आना मतलब उसमें कम होना, और ये अक्रॉस सभी सीटों में, किसी भी सीट में ऐसा नहीं दिखा कि पिछली बार के मुकाबले बढ़ा हो, ये थोड़ा सा जरूर चिंता की बात है। इतनी कोई बहुत बड़ी ऐसी, ये भी हो सकता है कि पिछली बार क्योंकि एक माहौल ऐसा था जिसमें लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग के लिए निकल रहे थे, वो माहौल इस बार इसलिए भी ना बना हो, जैसा सत्ताधारी दल तो यही कह रहा है कि वो शायद लोग इसलिए भी थे कि आश्वस्त थे कि सरकार तो दोबारा आ रही है, ये उनका कहना है, और ये इसलिए ये ज़्यादा चिंता ऑपोजिशन को होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोग निकलते हैं तो ये माना जाता है कि लोग सरकार के खिलाफ निकल रहे हैं। लेकिन ये थ्योरी भी पिछली बार और कई बार फेल हो चुकी है, क्योंकि पिछली बार अगर लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ कर निकले थे तब भी रिपीट करने ही निकले थे। तो कई फैक्टर हो सकते हैं, वो नतीजे देख के पता चलेगा कि फैक्टर क्या रहे। गर्मी एक फैक्टर है, यकीनन है, हीट वेव चल रही है वो भी एक फैक्टर है, इसलिए लोग सुबह सुबह वोट देने निकलें ये कोशिश की जा रही है। सुबह एक साथ जब निकलते हैं तो वो भीड़ के डर से कई लोग जो हैं वो सोचते हैं कि बाद में आएंगे, अच्छा बाद में हालात इतने गर्मी को लेकर परेशानी का सबब बन जाते हैं। लेकिन आपसे फिर भी इल्तिजा है कि अगर आप इन तमाम 93 सीटों का जो हम जिक्र कर रहे हैं कहीं मौजूद हैं मतदाता के तौर पर, तो जाइए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक मतदाता की हैसियत से अहमदाबाद में आए हैं, और उसी अहमदाबाद सीट पर एक उम्मीदवार की हैसियत से देश के गृह मंत्री उनका इंतजार कर रहे थे, और आज देखिए वो अक्सर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, लेकिन आज अगर सबसे बड़ा उनका कोई हथियार कोई श्रृंगार है तो वो उंगली पर लगी वो स्याही है जिस पर वो इतरा भी रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं। अब से पहले जब वो यहाँ पर आए थे 6 अलग अलग भाषाओं में ट्वीट करके उन तमाम वोटर्स को प्रेरित करने की कोशिश की है, और ये देखिए सारे चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे बुजुर्ग हों वहाँ पर इंतज़ार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे कि हमारा लड़का है वो यहाँ से गुजरेगा तो एक झलक हम पा लेंगे, एक झलक वो हमें देख लेंगे। अब ये काफिला धीरे धीरे रानी बूथ से निकलता हुआ दोबारा राजभवन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, जैसे सोमवार की रात वहाँ पहुँचे विश्राम वहीं करेंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह एक सिलसिला ज़रूर टूटा है माँ से मुलाकात का, उसके बाद वो जाते हैं वोट डालते हैं, होता है तो भाई के घर चाय और एक सिलसिला शायद मीडिया से बातचीत का भी टूटता हुआ दिख रहा मुझे, क्योंकि आज ऐसा लग नहीं रहा कि शायद वो, क्योंकि कैमरे के सामने से गुजर चुके हैं वो, अक्सर हमने देखा है कि वो वोट डालने के बाद आते हैं कैमरे की तरफ आते हैं और फिर कुछ कहते हैं, वो ऐसा आज दिख नहीं रहा है। या हो सकता है उधर आगे चलकर, क्योंकि मुझे पिछली बार याद पड़ा है कि एक तो रानी जहां पर वो स्कूल है ना वो स्कूल के बिल्कुल ठीक में वो कैमरास लगे होते हैं जो विजुअल्स कैप्चर करते हैं, तो थोड़ा आगे जाकर एक ऐसा इलाका होता है जहां सारे के सारे रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं हमें देखना होगा प्रधानमंत्री, मतलब उम्मीद अभी छोड़नी नहीं चाहिए कि वो, हम सुने कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि हैं वो अभी उसी इलाके में वहीं पर मौजूद हैं, काफिले में बैठ के निकले नहीं हैं वहां से। तो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मताधिकार अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। तीसरे चरण में 11 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर जो मतदान हो रहा है उसमें इस वक्त कतार तो ये बता रही है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है और हम भी फिंगर्स क्रॉस किए हुए हैं। ये जो 1351 कैंडिडेट्स हैं वो यही चाह रहे होंगे कि लोग निकले बाहर और उनको वोट करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हो, बिहार की 5 हो, मध्य प्रदेश की 9 सीटें हो, असम की 4 हो, छत्तीसगढ़ की 7 सीट हो, महाराष्ट्र की 11 हो, पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं, कर्नाटका की 14, इसके बाद कर्नाटका पूरा फेज ओवर है जी, कर्नाटका की 28 सीटें वो आज पूरा हो जाएगा क्योंकि 14 पर हो चुकी है पिछले फेज में और 14 सीटों पर आज है। तो दक्षिण कर्नाटक में पिछली बार हो गई, उत्तर कर्नाटक में इस तरफ है इस बार है, उत्तर कर्नाटक बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, और गुजरात गुजरात की 26 सीटों में 25 पर वोटिंग हो रही है क्योंकि एक पे निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है। इस गुजरात के साथ ही 2 सीटें और रहती हैं जो गुजरात के इलाके में ही हैं लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक